तक जो जंग जुबानी थी फिलहाल वो अब एक्शन में भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आज सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति की जांच में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी की यह कार्रवाई अभी भी जारी है जिसने इस चिंगारी को आग में अब तब्दील कर दिया है। आम आदमी पार्टी खुलकर मैदान में उतर आई है और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भी अब आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोनों ही तरफ से आरोपों की बौछार नई आबकारी नीति और उसमें घोटाले को लेकर की जा रही है। देखिए दिल्ली की सियासत कैसे झूम रही है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश है कि भाई इनको तंग करना है। जांच के नाम लेते ही शराब नीति का वापस होना, इसमें बदलाव लाना, ये बता रहा है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। जिस शराब नीति को लेकर दिल्ली में संग्राम छिड़ा, घोटाला के आरोपों पर सियासी घमासान छिड़ा, उस शराब नीति पर अब आंच और जांच वाला एक्शन शुरू हो गया। जांच के दायरे में आए मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ गया। सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर सीबीआई के छापे की जानकारी दी और फिर से कट्टर ईमानदार होने की दुहाई दी। सीबीआई आई है, उसका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर वन नहीं बन पाया। इधर जो चल रही है इस वक्त कार्रवाई वो सीबीआई की है, तो आज यहाँ पर जो गेस्ट बन करके आए हैं, जो अतिथि बन के आए हैं वो सीबीआई है, और अंदर ये आधिकारिक आवास, यहाँ पर अभी आपको अंदर शांति दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन बंद दरवाजों के भीतर सीबीआई की रेड लगातार चलती हुई अब लगभग 2 घंटे होने को आए हैं, जब सीबीआई के अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, अंदर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा, घंटों तक दस्तावेजों की तलाश की, घोटाले के सबूत हासिल करने के लिए पड़ताल की। खबर है कि मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए हैं ताकि शराब नीति पर आरोपों का पूरा खुलासा हो सके, शराब नीति पर हर एक आरोपों का सच सामने आ सके। लेकिन सच झूठ की इस पड़ताल ने दिल्ली की पॉलिटिक्स में उबाल ला दिया। केजरीवाल ने सीबीआई की कार्रवाई को आप सरकार के अच्छे कामों में अड़चन बता दिया। अभी भी कुछ नहीं मिलेगा तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश है कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश है, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा, अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। बीजेपी जांच एजेंसी के इस एक्शन को बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने की ओर बढ़ाया गया कदम बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता का डर बता रही है। जिस प्रकार से शराब नीति बना करके दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ, उस करोड़ों के घोटाले का इंसाफ तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा, मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा, किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए, मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। वार पलटवार दोनों ओर से हो रहे हैं, दोनों ही ओर से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी शराब नीति पर सवालों का जवाब मांग रही है, केजरीवाल को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बता रही है, वहीं आप खुद सिसोदिया को बेकसूर बताने में जुटी है, जांच एजेंसियों के जरिए परेशान करने का आरोप लगा रही है। मेरे को लगता है मनीष सिसोदिया का जो रोल है वो कम है, मगर जो मास्टरमाइंड है पूरे गेम का वो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत बारी कहते सुना होगा, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है, तो अकाउंट्स तो सारा उसी ने पढ़ा है, मनीष सिसोदिया ने तो बेचारे ने नहीं पढ़ा, तो ये कैसे 6% उन्होंने किकबैक लेना था L1 के कमीशन में और कितना पैसा आना था, तो ये पॉलिसी तो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई बना नहीं सकता, मगर क्योंकि वित्त मंत्री जो है वो अपना मनीष सिसोदिया है इसलिए जेल उन्हीं को जाना पड़ेगा, और अगर मनीष सिसोदिया जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं और वो खुद ही सारे अपना कबूल कर लेते हैं तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी जेल जाए। अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख करोड़ों भारतीयों के दिलों में
अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो। दिल्ली में शराब नीति को लेकर हंगामा उसी दिन शुरू हो गया था जब उपराज्यपाल ने गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए शराब नीति की जांच का आदेश दिया था। आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया तो बीजेपी ने इस कदम पर भी सवाल उठा दिया। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ, शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है, ये पहली रेड नहीं है। पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतेंद्र जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला। अब किसके दावों में कितनी सच्चाई है, किसके बयानों में कितना दम, ये तो सीबीआई की जांच में ही पता चलेगा। लेकिन सीबीआई के छापे के बाद ये तो तय है कि शराब नीति के आरोपों के बहाने जांच एजेंसी शिकंजा और कसेगी, दिल्ली का सियासी घमासान, सियासी पारा और आगे बढ़ेगा। दिल्ली से मुनीश पांडे, पंकज जैन, अमित भारद्वाज और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।